in the crossfire. It's caught in the crossfire. Okay, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने ये नाम कहां सुना है एंड क्यों सुना है? तो इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वॉज एन एक्सपेरिमेंट जिसको मेंडल ने प्रूफ किया था. तो पहली बार सवाल ये उठता है कि मेंडल कौन था? तो मेंडल वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स उसको कहा गया था. क्यों कहा गया था? क्योंकि मेंडल ही वो साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि अलग अलग हम लोग स्पेसीज को लेके कैसे हम लोग न्यू स्पेसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोनो, मोनो का मीन्स क्या होता है? सिंगल. ठीक है, आप सबको पता है मोनो मीन्स सिंगल होता है. हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वी कैन से इट एज गैमेट्स. ठीक है, जैसे आप सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास क्या होता है? जीन्स होता है, एंड जीन्स आर नोन एज अ गैमेट्स. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि दो अलग अलग प्लांट्स का क्या लेना है, हमें गैमेट्स लेना है. वो भी कितना गैमेट्स लेना है? सिंगल, दैट इज मोनोहाइब्रिड. तो सिंगल गैमेट्स को लेके उनको क्रॉस करवाना है. व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉसिंग? दैट इज दोनों के बीच में क्या कराना है, इंश्योर एक तरीके का रिप्रोडक्शन करवाना है. और उस ये हम लोग को देखना है कि हम लोग को ये जो क्रॉसिंग है वो करवाने के बाद क्या हमें कोई नया प्लांट मिलता है, क्या हमें कोई नया स्पेसीज मिलता है, वो हमें यहाँ पे देखना है. तो मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम लोग दो अलग अलग स्पेसीज के प्लांट को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग को हो सकता है कि हम लोग किसी थर्ड कैटेगरी का जो स्पेसीज है वो हमें मिल जाए. तो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग ने दो अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट लिए हुए हैं. एक जो प्लांट है हमारे पास टॉल प्लांट है, दूसरा प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट है. ओके, एंड ये हम लोग जो प्लांट ले रहे हैं वो एक पी प्लांट का ले रहे हैं. पी प्लांट आप सबको पता है, दैट इज हम लोग हिंदी में उसको बटाना बोलते हैं, मटर बोलते हैं. ठीक है, तो पी जो प्लांट है उसका हम लोग क्या करें, दो कैटेगरी ले रहे हैं. और कैटेगरीज भी क्या ले रहे, टॉल एंड ड्वार्फ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हम लोग ने कैटेगरी लिया, वो भी फ्लावर के कैटेगरी में, उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कैटेगरी ले रहे हैं हम लोग. तो पहला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉल है एंड दूसरा उसके ड्वार्फ है. तो ये क्या है, उसका फिनोटाइप है. तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस. ये जो प्लांट के जो फ्लावर्स है इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है? तो फिनोटाइप पहला हम लोग ने लिया टॉल प्लांट, दूसरा हम लोग ने लिया ड्वार्फ प्लांट. ये दो कैटेगरी ले लिया हम लोग ने. ठीक है, अब इसका हम लोग गैमेट्स लिखेंगे. तो वी नो है गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं. तो जीनोटाइप के लिए हम लोग ने क्या लिया, जो टॉल प्लांट था इसके लिए हम लोग ने डबल डी लिया हुआ है, कैपिटल लेटर में डिनोट करना है हम लोग. ठीक है, तो हम लोग ने टॉल को कैपिटल लेटर कैपिटल डी एंड कैपिटल डी से डिनोट किया हुआ है. वही अगर मैं बात करूं ड्वार्फ प्लांट की तो हम लोग ने स्मॉल लेटर डी एंड स्मॉल लेटर टी से इसको डिनोट किया हुआ है. तो ये हम लोग का क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया. मतलब उसकी डैमेज कैसे है वो हम लोग ने यहाँ पे इसको बताया हुआ है. तीसरा जो स्टेप है हमारा वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, उसके गैमेट्स लेंगे. ठीक है, तो गैमेट्स हम लोग को क्या लेना है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैपिटल डी है, वहां पे आपका दो स्मॉल डी है. तो हम लोग इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल लेना है बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली मोनोहाइब्रिड. ठीक है, तो हम लोग को दो कैपिटल डी में से एक कैपिटल डी ले लेना है एंड दूसरे दो स्मॉल डी में से एक स्मॉल डी लेना है. अब यहाँ पे हम लोग ने ये दोनों को ले लिया. अब हम लोग का जो मीनिंग था, दैट इज हमारा जो टॉपिक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो क्रॉस का मतलब क्या करना है, इनके बीच में हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, दैट इज रिप्रोडक्शन करके देखना है कि हम लोग का नया रिजल्ट या फिर नया स्पेसीज क्या मिल रहा है. तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि मैंने जो एक टी लिया यहाँ पे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ किसके साथ, एक स्मॉल डी के साथ. तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, एक नया रिजल्ट मिला, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल डी जब ये लोग मल्टीप्लाई हो गए आपस में, हम लोग एक नया मिल गया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल डी. तो ये दोनों मिक्स होके एक नया हम लोग को मिला एंड ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन या फिर पहली पीढ़ी. पहली पीढ़ी हम लोग जैसे बोलते हैं कि कोई दो अलग अलग गैमेट्स हम लोग ने लिया, उसको मिला के क्रॉस करके एक नया पीढ़ी बनाया, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, एक नया स्पेसीज बनाया. तो वो जो नया स्पेसीज यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, हमारा फर्स्ट पीढ़ी है, पहली जनरेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वो चीज कर गया एंड ये प्लांट क्या होगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी. तो अगर देखा जाए कैपिटल डी हम लोग क्या डिनोट करता है, टॉल रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल डी क्या डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ प्लांट रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हम लोग को कैपिटल डी एंड स्मॉल डी वाला प्लांट मिला है. लेकिन इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये प्लांट दिखने में कैसा होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा,
टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब टॉल है, तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है दैट इज वा, उसके ऊपर क्या करेगा, वो हमेशा भारी पड़ता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल टी का था वो स्मॉल टी के ऊपर भारी पड़ेगा, दैट्स वाई उसका जितना भी स्पेसीज रहेगा वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो टॉल रहेगा ना कि टॉप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली जनरेशन की यहां पे बात होगी। अब क्या करेंगे, जो मेंडल था, मेंडल जो साइंटिस्ट था, उसने सोचा यार कि चलो एक बात तो मैंने करके देख लिया कि दो अलग अलग स्पेसीज के प्लांट ले लिए मैंने, एक टॉल एक ड्रॉप, तो दोनों को मैंने क्रॉसिंग करके देख लिया कि मुझे क्या मिला। अब यार सोचा कि चलो यार एक बार और करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, ये जो उसको टॉल कैटेगरी का प्लांट मिला, लेकिन ये टॉल कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दिखने में तो ये टॉल रहेगा प्लांट, लेकिन इसके अंदर जो गैमेट्स रहेंगे वो मिक्स कैटेगरी के रहेंगे, मतलब कैपिटल टी भी है इसके अंदर एंड स्मॉल टी भी है, मतलब टॉल की कैरेक्टरिस्टिक भी है एंड ड्वार्फ प्लांट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, भले दिखने में टॉल है। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसके जैसा ही दिखने वाला एक और प्लांट को लूं और उसके साथ वापस क्या करता हूं, मैं क्रॉसिंग करके देखता हूं, तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन है मेरा उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या किया उसने, यहां पे सेकंड जनरेशन के लिए एक हम लोग का मेथड है जिसको मेंडल ने कहा था पनेट स्क्वायर मेथड। तो सेकंड जनरेशन को निकालने के लिए जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट यूज किया वो किया पनेट स्क्वायर मेथड। तो पनेट स्क्वायर मेथड में उसने क्या किया, सेम वही टॉल प्लांट लिया, अगेन टॉल प्लांट लिया, लेकिन कौन सा वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट लिया। अब ये चीज को प्रूफ करने के लिए उसने पनेट स्क्वायर मेथड यूज किया। तो ये है क्या पनेट स्क्वायर, तो सबसे पहली बात यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हम लोग दो गैमेट्स यूज कर रहे हैं। तो कभी भी याद रखना कि पनेट स्क्वायर मेथड अगर हमको जब भी करना होगा तो जितने हमारे पास गैमेट्स रहेंगे उसका हम लोग को स्क्वायर करना है और उस उतना ही हमें बॉक्स क्रिएट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास दो गैमेट्स है, ओके, तो ये दो गैमेट्स को हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो टू का स्क्वायर हो गया फोर, तो हम लोग क्या करना है, चार बॉक्स को क्रिएट करना है। तो चार बॉक्स यहां पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड चार बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जितने भी गैमेट्स है उनको क्या करेंगे, अलग अलग यहां पे कैटेगराइज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अभी इनको क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऊपर किया था, ठीक है, क्रॉसिंग किया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे क्रॉसिंग करना है। तो नीचे क्रॉसिंग करना कैसा, कैपिटल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी, तो जैसे आप देख सकते हो कैपिटल टी का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट जो क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, ठीक है। अगेन स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी, तो हमें एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी हम लोग को मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जो लास्ट वन है वो हम लोग को मिलेगा स्मॉल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम लोग ने दो टॉल कैटेगरी के लेकिन मिक्स कैटेगरी वाले जब प्लांट लिए यहाँ पे एंड उनके बीच में पनेट स्क्वायर मेथड का यूज करके जब क्रॉसिंग किया तो हम लोग को चार टाइप के प्लांट मिले। तो चार टाइप के जो प्लांट मिले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन क्या बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखें कि सबसे पहला यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी दोनों कैपिटल आ गए, इसका हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो प्लांट है वो क्या है, टोटली टॉल प्लांट रहेगा, ठीक है। तो टॉल प्लांट रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है ना, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है हम लोग बोल सकते हैं। वही अगर सेकंड की बात करें तो वहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, सेम थर्ड कैटेगरी की बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेकंड और थर्ड भी जो प्लांट है वो भी क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे दिखने में, लेकिन इनमें क्या रहेगा, हाइब्रिड रहेगा इनका गैमेट्स, क्योंकि इनके अंदर दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी वाला भी है स्मॉल टी वाला भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए हेट्रोगैमेट, ठीक है। तो हेट्रोगैमेट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गैमेट है वो अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग होमोगैमेट बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम थे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हेट्रोगैमेट, एंड जो लास्ट में आप देखोगे दोनों स्मॉल टी है, तो दोनों स्मॉल टी है इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्योर रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब दोनों ही छोटे हो गए ना, दोनों स्मॉल हो गए, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, दोनों ड्वार्फ हो गए, ठीक है। मतलब ये प्लांट दिखने में भी ड्वार्फ रहेगा और इनके जो गैमेट्स है दोनों क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। और ये भी कौन से कैटेगरी का आ गया, होमोगैमेट के कैटेगरी का आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका एक क्विक रिविजन आपको कराऊं यहाँ पे, क्विक एक हम लोग समरी लेंगे यहाँ पे, तो एक चीज मुझे क्या पता चला, मेंडल ने क्या करने की कोशिश की है कि मेंडल ने कहा मुझे करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो इसने इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, दो प्लांट लिए जिसका एक एक गैमेट लिया, दैट इज टॉल कैरेक्टर लिया एंड ड्वार्फ कैरेक्टर लिया। तो टॉल में से उसने गैमेट ले लिया कैपिटल टी, उसमें ले लिया स्मॉल टी, उसके बाद दोनों में से एक एक गैमेट को निकाल लिया कैपिटल टी, दूसरे वाले में से स्मॉल टी, एंड उनके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉसिंग करवा दिया। क्रॉसिंग करने के बाद उसको एक रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला उसको, उसने देखा कि ये जब मैंने क्रॉसिंग किया तो मुझे एक ऐसा प्लांट मिला जिसके अंदर एक कैपिटल टी आया और दूसरा स्मॉल टी आया,
तो उसने सोचा कि यार ये तो दिखने में तो टॉल दिख रही है, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, स्मॉल टी जो रिसेसिव है उसके ऊपर भारी पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो प्लांट तो दिखने में टॉल दिखेगा लेकिन इसके जो गैमेट्स है वो मिक्स कैटेगरी के, हाइब्रिड कैटेगरी के, ठीक है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक और जनरेशन निकालता हूं, तो फर्स्ट जनरेशन निकालने के बाद सेम जो रिजल्ट मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, उसने वापस से एक वैसे ही प्लांट लेके दोनों को क्रॉसिंग करवाया, जिसको हम लोग ने क्या कहा था, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन कहा था, ठीक है। एंड कौन सा मेथड यूज किया, परेट स्क्वायर मेथड। एंड वो रिजल्ट हम लोग को मिला कि जब उसने वो प्लांट को क्रॉसिंग किया तो हम लोग को चार टाइप के प्लांट मिले, एंड चार में से एक प्लांट था प्योर डोमिनेंट कैपिटल डी वाला, दो प्लांट ऐसे थे जो हाइब्रिड कैटेगरी थे कैपिटल डी स्मॉल डी वाला, और एक प्लांट ऐसा था जो प्योर रिसेसिव था या फिर प्योर ड्वार्फ था, दैट इज स्मॉल डी स्मॉल डी कैटेगरी के। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि आउट ऑफ फोर प्लांट्स वन विल बी प्योर डोमिनेंट, टू विल बी हाइब्रिड कैटेगरी, एंड वन विल बी प्योर रिसेसिव और प्योर ड्वार्फ। तो हम लोग इससे एक कंक्लूजन और दे सकते हैं क्या, कि हम लोग कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये तो पूछेगा आप लोगों को डेफिनेटली कि एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो इसका तो आप जवाब ये आप डायग्राम वगैरह रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर दोगे तो नो प्रॉब्लम, बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या करता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में खासकर कि मुझे बताओ कि ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, ठीक है। तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक ध्यान से सुनना ये वर्ड, देखो फिनोटिपिक मैंने आपको पहले बताया था, फिनोटाइप का मतलब था एक्सटर्नल अपीयरेंस और जीनोटाइप का मतलब था गैमेट्स। तो यहां पे मैंने क्या पूछा, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा इस चीज का, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कि दिखने में कैसे है। तो यहां पे हमारे पास चार प्लांट है ऑब्वियसली, तो दिखने के हिसाब से पहला वाला प्लांट टॉल बन रहा है, बाकी दोनों प्लांट भी टॉल बन रहे हैं, बट लास्ट वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ बनने वाला है। तो मतलब तीन प्लांट ऐसे हैं जो टॉल बनने वाले हैं और एक प्लांट ड्वार्फ बनने वाला है। तो इन शॉर्ट हमारा जो रेशियो होगा, कौन सा, फिनोटिपिक वाला जो रेशियो होगा, हम लोग बोल सकते हैं टॉल रेशियो ड्वार्फ। तो टॉल कितना है, थ्री, तो थ्री रेशियो वन, तो थ्री रेशियो वन विल बी आवर फिनोटिपिक रेशियो। ये आ गया समझ में। एक और चीज की बात करें जिसका मैंने बोला था जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो जैसे मैंने बोला कि गैमेट्स होते हैं, तो यहां पे जो चार प्लांट है इसमें गैमेट्स की अगर बात करें तो एक प्लांट ऐसा है जिसके पास दोनों प्योर डोमिनेंट कैटेगरी के गैमेट्स है, दो प्लांट ऐसे है जिनके पास मिक्स कैटेगरी के गैमेट्स है, और एक प्लांट ऐसा है जो एकदम ड्वार्फ कैटेगरी के रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक के गैमेट्स है इसके अंदर। तो हम लोग का जो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, एक प्योर वाला, ठीक है, एक दो हाइब्रिड वाले, एंड जो लास्ट है दैट इज प्योर रिसेसिव वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वन रेशियो टू रेशियो वन, तो वन रेशियो टू रेशियो वन विल बी आवर जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एंड डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, थैंक यू।